एक गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग करना, और अभी पीछे आपको मालूम है कि यहीं जुलाई में मेरे ख्याल दिल्ली में ही कॉन्फ्रेंस हुई थी गवर्नर्स की, तो उन्होंने बीजेपी के गवर्नर ने आकर यह कहा कि हम तो एक्टिव बनेंगे, हम पैसिव गवर्नर नहीं है, हम तो एक्टिव गवर्नर हैं, तो हम तो एक्टिव तरीके से प्रदेशों में काम करेंगे। वो कर ही रहे हैं, चाहे वो बंगाल के गवर्नर हो, चाहे केरला के गवर्नर हो, चाहे तमिलनाडु के गवर्नर हो, चाहे कर्नाटका के गवर्नर हो, चाहे पंजाब के गवर्नर हो, चाहे दिल्ली के गवर्नर हो, तो एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हो। तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके जिसकी जिसके कामकाज से सरकारें गिराई जा सकती है, यही हो गया ना। और फिर बात करते हैं गीता की, तो ये कृष्ण लीला हो रही है क्या? चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप पे कहते हो, अब क्या होगा कि जांच होगी, फिर कहेंगे साहब जांच कैसे करें, चीफ मिनिस्टर तो यहां कायम है, या तो चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे, ठीक है, या जांच सीबीआई को जानी चाहिए, अगर सीबीआई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा। तो एक षड्यंत्र है, सरकारें गिराने का षड्यंत्र है, तो या तो 10 शेड्यूल का दुरुपयोग होता है, या लोग खरीदो फरोख्त होता है, सरकारें इलेक्टेड सरकारें गिराई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, हर जगह, अरुणाचल में, कई जगह ऐसी सरकारें गिराई गई, और या आप ईडी का को इस्तेमाल करते हो। तो मैं समझता हूं कि सारी पार्टीज को, सारी ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा होकर ये मामला उठाना चाहिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसके खिलाफ है, उसका उल्लंघन है, गवर्नर ऐसे गवर्नर्स को बर्खास्त करना चाहिए, एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए कि प्रदेशों को ये गिराना चाहते हैं, हर जहां जहां भी ऑपोजिशन सरकार है गिराना चाहते हैं। आपने कभी सुना कि बीजेपी की सरकार में किसी मंत्री के प्रति कोई भी जांच हो रही हो? कोई है सब वो ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी की सरकार है जहां ईडी के छापे मंत्रियों पर पड़े हों? कोई है ऐसी सरकार? तो ना वहां मंत्रियों के ऊपर छापा पड़ता है, ना एमएलए के ऊपर पड़ता है ईडी का, ना सीबीआई की कोई जांच होती है। तो ऐसा क्या कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सब मतलब के लोग चोर हैं, सब लोग आरोपी हैं, और जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां शुद्ध हैं?